वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स टू द विनर्स एकेडमी। दिस साइड सनी रघुवंशी कॉम्स हियर टू मेक यू वेन टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ बाय प्रेजेंटिंग एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन विद यू फॉर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ योर प्रेसियस एंड द वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी में। मैं सनी रघुवंशी आपके साथ एक बहुत अच्छी बात ही करने जा रहे हैं, एक वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए जो आपके लाइफ के टाइम से थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा समय निकाल के एक शॉर्ट मोमेंट का एक बहुत ही प्रीसियस एंड वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन है जो आपके लाइफ के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। और ये वीडियो जिनको भी प्रोवाइड किया गया, जिन्होंने ये आपको प्रोवाइड किया लिंक, जिन्होंने आपको ये फॉरवर्ड किया, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा थैंकफुल दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर जो भी बातें किया जाएगा, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे, आपके कैरियर से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे एक बात किया जाएगा कि हाउ टू मेक यू विन टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ, दैट मीन्स दैट कि आपके जीवन को किस तरह से सफल बनाया जाए, एक सही रास्ते पे आपको एक विजेता बनाया जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। और विनर्स अकेडमी का एक नोशन है बॉस जो बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है, यू कैन सी हियर दैट व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन लर्न, यू कैन रीड व्हाट इज दैट विनर्स अकेडमी, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो, लर्न टुडे एंड द लीड टुमारो। डैट मीन्स डैट इसका मतलब ये होता है कि आज सीखिए और कल को बनाइए, आज सीखिए और कल को संभालिए। तो डैट इज द नोशन विच आई एम प्रोमोटिंग, विच द लीडर्स अकेडमी प्रोमोटिंग, लर्न टुडे एंड द लीड टुमारो। एंड हेयर आई विल टेल यू डैट कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ता है। एनी स्किल्स, एनी नॉलेज इफ यू हैव देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना होता है तो उसके पहले आपको कुछ सीखना होता है, और विदाउट लर्निंग बॉस आपका कहीं से अर्निंग नहीं आ सकता है। सो हियर द विनर्स अकेडमी इज वेरी वेरी रेडी टू फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक यू विन, और किस तरह से एक जीवन को सफल बनाया जाए ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पर्सन, जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है, एक तरह से कमांड है, यू कैन जो भी जिस तरह से आप ले सकते, आप इसे बिल्कुल सीरियस होकर, बिल्कुल आधे घंटे जो व्यक्ति देख लिया, गारंटी है मेरा कि उसका माइंडसेट बिल्कुल 360 डिग्री यू टर्न हो सकता है, और आज से वो बिल्कुल नए तरीके से सोच सकता है अपने लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन जस्ट बी सीरियस फॉर डैट फॉर एन आवर ऑफ एन हाफ एन आवर ऑफ, आधे घंटे एक घंटे का जो भी वीडियो होगा उसको बिल्कुल सीरियसली रूप से देखें, हेडफोन लगा कर देखें, और कहीं ना कहीं जो बातें जाएगा आपके मन में, माइंड में, जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि जिंदगी में लोग जो बहुत सारे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उसका पे आउट मिलता है, राइट? तो आखिर उनका पे आउट के साथ साथ में क्या उनको अप्रिसिएशन मिलता है? और बॉस मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर उनको बढ़ावा मिलता है हर काम में, अगर वो जॉब करते हैं या फिर कहीं भी किसी फील्ड वर्क में काम करते हैं, तो उनको बढ़ावा बहुत ही कम ही दिया जाता है। बट हेयर विनर्स अकेडमी, यहाँ पे जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे साथ जो मेंबर्स हैं, जो भी यहाँ पे व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, जो भी गार्जियंस हैं, उनको किस तरह से हम लोग अप्रिसिएट करते हैं वो मैं आप बताता हूँ आपको। और उनके काम को अप्रिसिएट करके अगर काम किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल बहुत ही ऊंचा रहता है काम करने का, और बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है। यू कैन सी हियर दैट द नेक्स्ट पेज, यू कैन सी हियर द मेनी मैन, द वुमेन, गर्ल्स एंड द बॉयज, टीचर्स एंड ऑल द मेंबर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, एक लाइन में जो खड़े हैं, देखिए किस तरह से उनको अप्रिसिएट किया जा रहा है, बरसते वो कितना ही कम क्यों का ना काम करें, अगर उनको अप्रिसिएशन देकर काम किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है और आपका बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है आपको। तो हम लोग किस तरह से उनको अप्रिसिएट करते हैं, यू कैन सी हियर दैट कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे काम करते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनको इस तरह से अप्रिसिएट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनका मनोबल ऊंचा करते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मान सम्मान दिया जाता है ताकि वो और बेहतरीन तरीके से काम करें। यू कैन सी हियर दैट द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, देर इज सम कार अचीवर एंड यू कैन सी हियर दैट द सलोनी मैम, सी इज अ कार अचीवर, जो हमारे टीम मेंबर्स में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अचीव करते हैं, उनको इस तरह से हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। एंड हियर हर हस्बैंड इज ऑल्सो स्टैंडिंग हियर दैट, सो यू कैन ऑल्सो सी मैनी मोर अचीवर्स डैट आर अचीविंग और डैट आर गेटिंग प्रोपगेशन, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जिंदगी में बढ़ावा कर रहे हैं, बढ़ावा ले रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। यू कैन सी हियर द ऑल्सो डैट मी एंड अ टीचर दैट इज अ कौशल सर विच इज अप्रिसिएटिंग मी बाय सेलिब्रेटिंग एंड सेलिब्रेशन। यू कैन सी हियर ऑल्सो दैट आर टीम मेंबर्स ऑफ द गर्ल्स एंड द बॉयज एंड द यंगस्टर, जितना भी हैं, आखिर हम लोग इस तरह से काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और बहुत ही मजे में होता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है ना, आखिर इतना बढ़ावा देकर हम लोग क्यों काम करते हैं, आखिर क्या जरूरी है बढ़ावा देने का, अप्रिसिएशन का क्या जरूरी है? तो यू
अगर आप सोचो कि अगर बॉस अगर आप काम कर रहे हो और काम में रिजल्ट आपको बढ़िया मिल रहा है, लेकिन आपको कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है इज्जत, तो क्या वहाँ पे आप टिक पाओगे? अकॉर्डिंग टू मी कहीं चांस नहीं है बॉस कि वहाँ पे हम टिक पाएंगे। हम पैसा को देख कर तो चले जाएंगे, बट अगर वहाँ पे इज्जत शोहरत ना हो ना तो वो पैसा भी बेकार हो जाता है। बट हेयर इफ यू कम टू द बिनर्स अकेडमी यू विल बी अप्रिसिएटेड टू योर वर्क्स। आपके काम के साथ साथ में आपको अप्रिसिएशन दिया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से सम्मान सम्मान दिया जाता है। बट हेयर फर्स्टली मैं ये कहूँगा कि विनर्स अकेडमी आखिर कैसा काम कर रहा है, किस तरह का से काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेयर आखिर जो पर्पस है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप, ये आज का जो पर्पस है ऑनलाइन वर्कशॉप का, उसका क्या मुद्दा है, क्या मोटिव है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो देर इज सम क्राइटेरिया विच हैव टू अंडरस्टैंड, आपको कुछ समझने होंगे यहाँ पे कि टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट सिचुएशन, अभी का जो करंट मार्केट का सिचुएशन वो क्या है। अगर मैं बात करूँगा कोरोना लॉकडाउन का, राइट, तो उसमें कितने सारे काम ठप पड़ गए, कितने सारे का रोजगार छीन लिया गया, कितने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर बदल गए, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाल ही फिलहाल सुनने में आया कि पेटीएम जो काफ़ी ई कॉमर्स का एक सेक्टर, बहुत ही बड़ा सेक्टर है, तो उन्होंने 700 से 800 एम्प्लॉय का ऐसे ही बाहर निकाल दिया। व्हाट वाज द रीज़न, क्या ज़रूरी था निकालने का, बट कुछ ना कुछ कारण है बॉस। तो आखिर उनको पेमेंट देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था, ऑफलाइन जितना भी काम हो रहा था वो सभी में कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज कुछ बंद हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट को रोड पर आ गए, बहुत सारे लोग थे जिनको रोड पर आना पड़ गया। तो ये सब करंट मार्केट का सिचुएशन जो बहुत ही गड़बड़ चल रहा था अभी, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी यूनिवर्स में हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, आपको भी ये करना है, हमें भी करना है, तो आपको ये बात समझनी होगी, राइट। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, और आखिर उस सिचुएशन क्या हो सकता है आगे चलकर ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, किस तरीका से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका फ्यूचर मार्केट क्या है, फ्यूचर कैप क्या है, उसका आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको क्या है, विनर्स अकेडमी का एक बेसिक क्या है वो आपको समझाया जाएगा। आप किस चीज़ में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाई यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन योर टास्क। और सबसे पहला चीज़ कि आप अपने टाइम को अभी तक जो बेस्ट कर रहे हैं, राइट, सोशल मीडिया के यूज़ करके बहुत सारे यंगस्टर लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं फालतू में बैठ कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट वाई टाइम वेस्ट करने की जगह पे बॉस अगर मैं कहूँ कि उसी टाइम को अगर यूटिलाइज किया जाए और कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटरीन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, एंड डेट विल बी द बेंच मार्क्स, डेट विल सेट ए बेंच मार्क्स फॉर ए फ्यूचर, और वही आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपके फ्यूचर्स का डिसाइड करेगा। एंड हेयर हाउ टू डिज़ाइन ए रोड मैप ऑफ ए फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से एक रोड मैप डिज़ाइन करें, किस तरह के उसको डिज़ाइन दें, अपने करियर को किस तरह से अपने मनचाहा करियर को डिज़ाइन दें, तो ये कैसे किया जा सकता है। बट हेयर द विनर्स अकेडमी हैज़ अ नोशन डेट इज़ प्रमोटिंग, मैंने पहले आपको बता दिया, डेट इज़ हाउ टू लर्न, किस तरह से आप सिखाया जाए, हाउ टू अर्न, किस तरह से आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं, एंड हाउ टू लीड, किस तरह से आप किसी चीज़ को लीड कर सकते हैं आगे आने वाले कम्युनिटी को, सोसाइटी को, इंस्टीट्यूट को, हाउ टू लीड अ इंस्टीट्यूट, हाउ टू लीड अ अकेडमी, हाउ टू लीड अ टीम, हाउ टू लीड अ पार्टी, हाउ टू लीड एन इंस्टीट्यूट एंड मेनी मोर्स, किस चीज़ को किस तरह से लीड करें ये आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बॉस आप कितना भी बड़ा हो जाओ, अगर आपके पास लीडिंग स्किल्स नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पाओगे, राइट। तो ये सारे चीज़ क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए, क्यों मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे कि क्यों होने चाहिए और कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। सपोज वो मान लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अच्छे खासे वो, उसका इमेज बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बट ही हैज़ नॉट अ माइंड सेट टू लीड द टीम, ही हैज़ नॉट अ माइंड सेट टू लीड द मेम्बर्स, उसके पास वो माइंड सेट है ही नहीं कि किस तरह से आगे उसको लीड करें, तो क्या उसके पार्टी चल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह से वो अपने पार्टीज को खुश रखे, अगर ये स्किल्स उसके पास नहीं हो तो क्या चल सकता है क्या? एक बड़ा सा फैक्ट्रीज ले लो, इंडस्ट्री ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, अगर वहाँ पे लीडिंग पावर अगर ओनर के पास नहीं है तो ओनर क्या किसी भी एम्प्लॉय को टिका सकता है ज़्यादा दिन तक? नो, देर इज़ नो चांस बॉस। और ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना तो आपके पास ये तीन स्किल्स होने चाहिए, हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न एंड हाउ टू लीड, किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये तीन चीज़ आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। और ये तीन चीज़ आपको बिजनेस अकेडमी बिल्कुल मुफ्त में देता है, बिल्कुल फ्री देता है और बिल्कुल साथ रह कर देता है। तो मैं चलता हूँ आगे इन सभी बातों को क्लियर करके, कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। वेल, हेयर इज माई सेल्फ सनी रघुवंशी, यू कैन सी मी डैट पर्सनली, मैं यंग टीचर, मैं एक यंग टीचर हूँ और यंग एंटरप्रेन्योर इज बिजनेसमैन,
और फाउंडर ऑफ द विनर्स अकेडमी, विनर्स अकेडमी का फाउंडर भी हूँ, मोटिवेशनल द इंस्पिरेशनल स्पीकर भी रहा हूँ, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कोच एंड द फाउंडर्स ऑफ द विनर्स अकेडमी। देयर इज माय सम प्रोफाइल, यू कैन सी मी ऑल्सो द फेसबुक सनी रघुवंशी, दैट्स नेम द टैग, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च मी ऑन द इंस्टाग्राम हैशटैग सनी रघुवंशी, यू कैन सी मी ऑल माई डिटेल्स ऑन द सोशल मीडिया। आप मुझे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, वेल बॉस, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारा जो माइंड है, ये वीडियो को देखने से पहले आपका माइंड बिल्कुल ओपन कर लेना है आपको, बिकॉज हमारा जो माइंड है, सोचो कि एक पैराशूट की तरह है। हाउ वी कैन से डैट ये पैराशूट की तरह क्यों है, तो सोचो कि अगर पैराशूट कैसे काम करता है, पहले ये बताओ। तो बॉस, अगर सोचो कि किसी व्यक्ति को फ्लाइंग जेट से उसको नीचे जंप कराया जाता है, तो अगर वो पैराशूट को बिना खोले अगर फ्लाइंग जंप करता है तो क्या हालत हो सकता है उसका, आप भी बोलोगे साथ, मौत हो सकता है उसका, बिल्कुल मर जाएगा अगर गिरेगा जमीन पे तो, हमारा माइंड भी बिल्कुल पैराशूट की तरह काम करता है बॉस, और हमारे ज़िंदगी में भी ये बिल्कुल पैराशूट की तरह काम करेगा। अगर हम इसको खोल कर रखेंगे तो हम जिंदा हैं, अगर इसको बंद रख के कोई भी काम करेंगे तो हम कहीं भी नहीं टिक सकते हैं, कहीं भी नहीं टिकने का चांस है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर, आप अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके रखिएगा, ताकि जो भी बातें यहाँ पे समझाया जाएगा, जो भी बातें यहाँ पे आपको बताया जाएगा, उसको बिल्कुल कॉन्शियसली आपको समझना है, बिकॉज जब तक आप ये बातें को नहीं समझिएगा, आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो हम आगे चलते हैं। यू कैन सी दैट टू काइंड्स ऑफ द पीपल वर्क इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बॉस दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले। फर्स्ट अगर देखा जाए तो पीपल वर्किंग अलोन फॉर देम, एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो उनके लिए अकेले काम करता है, एक एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, या कहो तो वो ड्यूटी के रूप में काम करता है, एक जॉब के रूप में काम करता है, बट एक व्यक्ति जो होता है एक अकेले काम करता है जिंदगी भर, और एक व्यक्ति जो होता है वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये दोनों में अंतर क्या है? ओके, आई विल सी यू, आई विल क्लियर यू डैट कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही बेहतरीन अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर है, लाखों जमीन का अंतर है ना, आसमान जमीन का अंतर है। ये बात को आपको समझना होगा कि जो व्यक्ति अकेले काम कर रहा है और जो व्यक्ति लोगों के साथ में काम कर रहा है, वो दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं ये। यू कैन सी दैट द टाइम लिवरेज, एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए आप कि जो व्यक्ति जिंदगी में अकेले काम करते हैं वो आखिर कितना दूर तक जा सकते हैं, और जो व्यक्ति लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं वो कितना दूर तक जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो अभी से ये बात को समझ लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अकेले काम करते भर में कितना दूर तक जा सकते हैं, और अगर आप लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं तो कितना दूर तक जा सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग अलोन देन यू गेट पेड ऑफ योर वर्क, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको अकेले की सैलरी मिलता है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं कहीं पर 8 घंटा 10 घंटा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, आपको अकेले काम करने का पैसा देता है, अकेले काम करने का वो पेमेंट देता है। बट एक पर्सन ऐसा होता है जो लोग साथ में मिलकर काम करता और सभी के काम करने का एक पे आउट उसको मिलता है। सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपको काम करने का सैलरी आपको दे रहा है मालिक, बट मालिक के साथ में कितने लोग काम कर रहे हैं ये आपको अंदाजा है? आपके जैसे ना जाने कितने एम्प्लॉय वहाँ पर जो काम कर रहे हैं। तो मालिक सभी को पैसा दे रहा है, सभी को पेमेंट अगर दे रहा है, सपोज मान लो कि 10-10 रुपये सभी को दे रहा है, 10 व्यक्ति है वहाँ पे, 10 व्यक्ति अगर उसके अंडर में काम कर रहा है, तो अगर वो 10 व्यक्ति को काम पे लगा कर पैसा दे रहा है, तो सपोज कि अगर वो 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है सबको, तो क्या सभी व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहे हैं अगर, तो 10,000 के लायक ही काम कर रहे होंगे क्या? अगर वो 10,000 के ही लायक काम कर रहा होगा तो 10,000 रुपया उसको नहीं देता, उसको कहीं ना कहीं कम देता। बट हेयर यू आर गेटिंग इफ यूर 10,000 अबाउट, तो कहीं ना कहीं आपका काम बॉस 30,000-40,000 का है, जो 10 घंटा का मेहनत आप दे रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी है वो आपका मेहनत का कम है, और आपका मेहनत जो है सैलरी का दुगना हो सकता है। तो आपका कहीं ना कहीं काम वो जो है 20,000-30,000 का है, उसमें से कुछ परसेंटेज वो खुद रख लेता है मालिक, और आपको उसका कुछ परसेंट दे देता है, यानी कि 100% सैलरी में से आपको मात्र 30% सैलरी आपको मिलता है, बाकी 70% आपका सैलरी का वो रख लेता है। और ऐसे ही ऐसे करके अगर 10 व्यक्तियों से वो सैलरी बचा कर रख रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि वो मालिक कितना काम कर रहा होगा अकेले और कितना पैसा कमा रहा होगा। वो भी 10 घंटा ही अगर काम करता है तो वो अपने काम का भी पैसा बचाएगा, और आपके मेहनत से भी अगर 70% पैसा बचा ले रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बच जा रहा है।
और आपको एक सैलरी के रूप में पैसा दे दिया जा रहा है। बिकॉज ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं ज़िंदगी में तो अभी से सतर्क रहिए और अभी से प्रिपेयर हो जाइए कि हमें अकेले काम नहीं करना है, और अगर अकेले काम करना है ज़िंदगी भर तो फिर ये आपकी मर्जी है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से लोग एक खुद एम्प्लॉय बन के ज़िंदगी भर काम कर लेते हैं, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक अकेले उनके लिए काम करते हैं, एक लोग उनके लिए काम करते हैं, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो व्यक्ति यहाँ पे अकेले ना होकर लोगों के साथ में मिलकर काम करता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है मेरे हिसाब से। राइट, ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। यू कैन सी अर द टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट। टाइम लेवरेज की बात करें तो सपोज व्यक्ति अगर एक अकेले काम कर रहा है तो ऐसा करने के लिए सपोज कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, राइट, और यहाँ पे एक ओनर हो। ओके, तो आप जिस इंडस्ट्री का ओनर हो उस इंडस्ट्री में अगर आपके साथ पांच व्यक्ति काम कर रहे हैं, ओके, और सभी पांच व्यक्ति 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं मालिक के रूप में, आप वहाँ के ओनर हैं और आपके अंडर में पांच व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपने कोई इंडस्ट्री लगा रखा है, प्लांट लगा रखा है, ओके, तो सभी व्यक्ति अगर 8-8 घंटा काम कर रहा है तो आपके लिए कितना घंटा काम हो रहा है सपोज, तो सभी व्यक्ति 8-8 घंटा काम कर रहे हैं तो 8-8 घंटे का सैलरी आप उनको दोगे। ओके, तो आपके लिए कितना काम हो जा रहा है ये देखो पहले। तो अगर पांच व्यक्ति का काम किया जाता है, अगर पांच व्यक्ति वहाँ पे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपके लिए बॉस 40 आवर्स काम कर रहे हैं, यानी कि 40 घंटा आपके लिए काम किया जा रहा है, और ये 40 घंटा का सैलरी आपको खुद मिलता है। और कहाँ से मिलता है, तो जितने व्यक्ति, जो पांच व्यक्ति आपके साथ काम कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति से, उस पर्सन से आपका कुछ इंसेंटिव बचता है और वही इंसेंटिव आप एक मोटे रकम में रखते हो। तो सभी व्यक्ति को 8-8 घंटे का काम कर रहे हैं, सभी व्यक्ति को 8-8 घंटा का सैलरी दे रहे हो, बट आप 40 घंटा खुद काम कर ले रहे हो। मतलब पांचों व्यक्ति का 8-8 घंटा जोड़ लो तो 40 घंटा ये आपके लिए काम हो जा रहा है और आप 40 घंटे का पैसा कमाते हो। तो इस कॉन्सेप्ट से किस तरह से काम किया जाए, यहाँ पर टाइम लेवरेज की बात है कि आपका समय है ना, टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, अगर देखा जाए तो टाइम का मल्टीप्लीकेशन है। 8 घंटा में आप 40 घंटा काम कर रहे हो, 8 घंटा में ही आप 40 घंटा का काम कर ले हो, डैट इज़ पॉसिबल। कैसे संभव है, तो संभव है, आप अपने साथ बहुत सारे व्यक्तियों को रह कर काम कर सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को लगा कर काम कर सकते हैं, तब जाकर यह कॉन्सेप्ट संभव है बॉस। ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम लेवरेज का, टाइम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टाइम का, ये मल्टीप्लाई अगर होता है तो आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा तरक्की आएगा और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इससे। तो इस तरह से ही इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट, ये जब कॉन्सेप्ट हमने समझा था तो हमने भी ये सोचा था कि अगर ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और जो भी रिच माइंड के व्यक्ति होते हैं, रिच माइंड सेट के जो व्यक्ति होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, इसी तरह से काम करते हैं, और जो पुअर माइंड सेट का जो व्यक्ति होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया, यू कैन शेयर डेट वर्किंग अलोन फॉर देम, जो पुअर माइंड सेट का व्यक्ति होते हैं वो अकेले ज़िंदगी भर काम कर लेते हैं, जो रिच माइंड सेट का जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें रहीसी का ज़िंदगी जीना होता है, जिन्हें एक आज़ादी का ज़िंदगी जीना होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, अपना समय को मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लगा कर काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स करते हैं, टाइम फ्रीडम रहता है उनके पास। बट ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे संभव है, तो मैंने सोचा था आपके हिसाब से, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई कंपनी खोलना पड़ेगा, कोई इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, कोई प्लांट लगाना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा जिसमें 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट जा सकता है मैक्सिमम, राइट। तो सपोज कि उतना सारा इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं था, ओके, उतना सारा इन्वेस्टमेंट आपके पास भी नहीं हो सकता है, हो सकता है तो कोई बात नहीं है, ओके, होगा भी तो बहुत सारा कंडीशंस है, बहुत सारा टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगे बीच में जो आपको फुलफिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बट हमारे पास ऐसा नहीं था, ओके, बट आई हैव टू डू वर्क इन दैट वेरी कॉन्सेप्ट, मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करना था, मुझे इस आइडिया के साथ काम करना था, मुझे एक रिच माइंडसेट के सही से काम करना था, मुझे एक ऐसा माइंडसेट के साथ काम करना था जो व्यक्ति रिच माइंडसेट से काम करते हैं, और ये माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है मेरे माइंड में और इसी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया। बट हाउ, कौन सा ऐसा काम हो सकता है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री हो सकता है जो इस तरह से काम कर सकते हैं, मेरे पास उतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10 लाख 5 लाख 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाउ आई वॉन्ट टू डू इट, बट हाउ, कैसे, तो मैंने बहुत ही स्टडी किया इसके ऊपर कि कैसे किया जा सकता है। तो एक बुक पढ़ा मैंने, बहुत सारे ऐसा बुक्स मैंने रिकमेंड किया गया, तो हमने एक बुक पढ़ा जिसका नाम था, बहुत ही रिकमेंडेड बुक है मार्केट में, बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत ही फेमस बुक है, जो US का राइटर बहुत ही मस्त बुक लिखते हैं,
और जिनका एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है उनके साथ, जिसका नाम है बुक का, मैं बताना चाहूँगा, रिच डैड पुअर डैड। डैड इज अ वेरी रिकमेंडेड बुक, और फाइनेंशियल एजुकेशन है उसके ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन दिया गया उस बुक में। और उस फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, जो जिनका नाम है मैं बता दे रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंशियल एडवाइज़र जिन्होंने वो बुक लिखा था उसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू द डोनाल्ड ट्रंप, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, यूएसए। यूएसए अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे खासे दोस्त रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हैं, और उन्होंने ये किताब लिखा रिच डैड पुअर डैड, जिस बुक में हमने पढ़ा कि इफ़ यू आर वर्किंग अलोन देन यू आर गेटिंग लॉस, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम देन यू आर क्रिएटिंग रिविलेज। तो हमें पता चल गया कि हमें कहीं ना कहीं हमें लोगों के साथ में काम करना होगा, और उन्होंने ये बात लिख दिया कि जो कॉन्सेप्ट से काम करना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइम लेवरेज का होना चाहिए, इनकम लेवरेज का होना चाहिए, आपका इनकम का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो जिस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, बहुत इंडस्ट्री का नाम पता चला मुझे, उसकी बहुत ही मस्त इंडस्ट्री है, बट जैसे मैंने उसका नाम सुना था मैं थोड़ा दूर भागा था, बिकॉज वो इंडस्ट्री थोड़ी अजीब व गरीब नाम से जानी जाती थी, राइट। तो जिस इंडस्ट्री का नाम उन्होंने किताब में मेंशन किया था, डेट वॉज वेरी रिकमेंडेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड बहुत फेमस पर्सनैलिटी लोग उसको कर रहे थे, बट उससे पहले जब हमने नाम सुना था तो हमें खुद शौक लगा था। डेट वॉज द नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री, डेट इज अ वेरी रिकमेंडेड इंडस्ट्री एंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया का बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री माना जाता है, बहुत ही दमदार इंडस्ट्री माना जाता है, बहुत ही अच्छा मार्केट माना जाता है बिजनेस के लिए। बट मैंने भी जब इसका नाम सुना था तो मैंने भी इसे थोड़ा दूरी बनाया था, बिकॉज एक इंडिया का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब था। एक कॉन्सेप्ट आया था फ्रांस से, बट इंडिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अजीब था, बिल्कुल माइंडसेट अलग था। बट हमें पता चला कि अगर रॉबर्ट कियोसाकी लिख सकता है एक बात को, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर सकता है, राइट, तो आखिर हम उससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ओके। तो हमने अपना भी ईगो को साइड किया, हम भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे खासे टैलेंटेड हैं, बट ईगो अपना साइड में रखा, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर इस चीज़ को लिख रहा है कहीं पे किताब में, जो बहुत ही पूरे दुनिया में फेमस है, तो वो चीज़ गलत नहीं लिख रहा होगा बॉस। अगर वो गलत लिखता है तो उसका मार्केट में इतना ज़्यादा पब्लिकेशन नहीं आता, राइट। तो हमने अपना ईगो को साइड रखा और इस कॉन्सेप्ट को समझा कि आखिर ये क्या है। जिस व्यक्ति ने हमें इस बिजनेस के बारे में, इस मॉडल के बारे में बताया, उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा, इस बिजनेस मॉडल को समझा, तो पता चला इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, राइट, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से काम किया जाता है। तो आखिर करना क्या होता है, आखिर ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आई हैव टू डू इन दैट इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो करना पड़ता है हमको, जो बहुत ही सिंपल है। बट व्हाट हैव टू डू इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री, इस मार्केट में आखिर हमें करना क्या होता है बॉस। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में अगर हमें नॉलेज लेना होता तो हमने अच्छे खासे व्यक्ति से पूछा भी, हमने वैसे वैसे व्यक्ति से, सपोज कि इसके बारे में अगर हमें नॉलेज लेना हो, इसके बारे में अगर पूछना हो, तो किससे पूछेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि आपको अगर दिल्ली जाना हो तो आप कौन से व्यक्ति से पूछोगे, आपको लंदन जाना है तो आप कौन से व्यक्ति से पूछोगे, जो व्यक्ति घर से निकला ही नहीं कभी, या फिर जो लंदन घूम के आ गया है। तो आप सिंपली बोलोगे कि जो व्यक्ति लंदन घूम के आ गया उसी से पूछेंगे, वही बता सकता हमको बढ़िया सा रास्ता। सेम यहाँ पे वही प्रोफेशन हमने अपनाया कि इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए था, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने इसे एक्सपर्ट से बात किया, एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन लिया, तो पता चला नहीं, डेट इज़ अ वेरी वंडरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के बारे में जाना गया, बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है इसका। तो आखिर इसमें करना क्या होता है, व्हाट इफ टू डू, तो सिंपली बॉस बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसमें करना क्या, कुछ नहीं होता ज़्यादा। सपोज कि हमें जो बचपन से हम काम करते आ रहे हैं वही काम यहाँ पे करना होता है क्या, तो सपोज कि अगर हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं या मूवी देखते हैं और हमें वो पसंद आता है, तो एक इंसान का टेंडेंसी होता है, वी हैव अ टेंडेंसी टू शेयर इट, उसको बांटने का एक आदत होता है कि इंसान को कोई चीज़ पसंद आता है तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अपने बहुत ज़्यादा अननोन पर्सन के साथ में उसको शेयर करता है, बात पचती नहीं है ज़्यादा, इतना अच्छा होता है तो, राइट। तो हमें कोई मूवी पसंद आता है या फिर रेस्टोरेंट पसंद आता है तो अगर हम उसको शेयर करते हैं अगला के साथ, अगला को बता देते हैं, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम पहले बताते थे तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता था, राइट। बट हेयर द आयरनी इज डेट वी डोंट गेट पेड फॉर द रिकमेंडेशन, हमने रिकमेंड तो किया मूवी का, हमने रिकमेंड तो किया रेस्टोरेंट का, बट उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे सबसे ब्यूटी ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग का यही है कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और जो हम रिकमेंड कर रहे थे उस
इससे पहले जो हम काम कर रहे थे बचपन से उसका पे आउट मिलने लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो भी आप रिकमेंडेशन करते हैं, जो भी आप अपने लगा हुआ अच्छा चीज़ को आगे शेयर करते हैं, तो उसके बदले में बॉस आपको पे आउट मिलता है। तो कहीं से गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी कहीं से गलत नहीं है। अगर आपको कुछ करने का पे आउट मिल रहा है तो आपको बहुत ही अच्छा है और कहीं से गलत नहीं है बॉस। अगर इसको कोई गलत कहता है तो उसे मेरे सामने लाओ। सपोज आप कोई मोबाइल खरीदते हो, राइट, और आपके मोबाइल खरीदने पे आपको कमीशन नहीं मिलता, बट आपके मोबाइल किसी के खरीदवाने पे अगर आपको कुछ पैसा मिल जा रहा है दुकान से ना, तो आपके लिए बुरा नहीं है। उसको भी पैसा बच गया, आपको भी मिल गया, तो कहीं से बुरा है क्या? नो देर इज़ नथिंग लाइक डैट। ऐसा कुछ नहीं है जो बुरा है। तो ये सबसे बड़ा कड़वा चीज़ है कि ये काम हम पहले कर रहे थे, इसके लिए हमें कोई पेड़ नहीं मिल रहा था। हम जो भी रिकमेंडेशन कर रहे थे, जो भी हम शेयरिंग कर रहे थे बात को, उसके लिए कोई रिकमेंडेशन का पे आउट नहीं मिल रहा था। मैं हाल ही फिलहाल का बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हमारा कंट्री का जो PM है, तो उन्होंने भीम ऐप जो लॉन्च किया था, उन्होंने खुद एक मीडिया में बोला था, एक सर्वे में बोला था उन्होंने कि अगर आप अपने भीम ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और सेम वही प्रोसेस आप अगले के साथ करवाते हैं आप अपने लिंक से, तो उसके मोबाइल में अगर आपके थ्रू रेफरल से डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, तो ठीक उसके रेफरल से, आपके रेफरल करने से आपके अकाउंट में 10 रुपये जमा हो जाता है। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐसा क्यों लागू किया? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रॉफिट था, राइट। जिन्होंने एप्लीकेशन बनाया उनको प्रॉफिट था, राइट। तो जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन बना के ये काम कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो वो कहाँ से गलत है बॉस? अगर वो गलत नहीं है तो फिर हम कर रहे हैं तो हमें कैसे गलत, हमें कौन सा गलत बोल सकता है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए बस। और अगर यहाँ पे कस्टमर आता है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है, 100% सेटिस्फाइड होता है, और वही सबसे बेस्ट एडवर्टीजर होता है, और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट को उसको टर्नओवर का पैसा मिलता है, उसको पे आउट मिलता है, और जितना वो चैनल को रिकमेंडेड करे, जितना वो जनरेट करे, उससे उसको फ़ायदा होता है। ओके, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही मस्त इंडस्ट्री है, बहुत ही दमदार इंडस्ट्री है। ये पूरे वर्ल्ड का वंडरफुल एंड द बेस्ट बिजनेस माना जाता है, बिजनेस मॉडल माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे काम कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे बॉस बर्ड्स ऑफ द माउथ, एक जो बर्ड का प्रमोशन होता है, हमें ना कोई टेंट लगा के प्रचार करना होता है, ना ही कोई माइक से प्रचार करना होता है, ना ही किसी चीज़ से है ना सहारा लेकर प्रचार करना होता है। यहाँ पे बर्ड्स ऑफ द माउथ, मार्क जुकरबर्ग जो आपका फेसबुक का मालिक है, उन्होंने भी यही किया था सबसे पहले। अभी फिलहाल में बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड का बिलियनियर है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अमेजोन का मालिक जोसेफ बेजोस, उनका एक खुद का कहना है क्या कि अगर आपको किसी भी मार्केट का प्रचार करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, तो आप अपने फ्रेंड के कुछ ऐसे 2 फ्रेंड्स को सर्विस दो जो उसे अच्छा लगे, और उसी फायदा को वो अगले 2 फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, और यही सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट का तरीका है। आपका मार्केटिंग वहीं से फैल जाता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर करने का। ओके, तो वो सोचो कि अगर हम एट फर्स्ट इनिशियल स्टेज में अगर हम 10 व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, राइट, हम अपने लफ्ज से, हम अपने मुँह से बोलकर अगर 10 व्यक्ति को ऐसा ऐसा प्रॉफिट बताते हैं, और वो भी 10-10 व्यक्ति अगर ऐसा ऐसा बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 100 व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 100 व्यक्ति अगर 10-10 व्यक्ति को बताता है, तो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 1000 व्यक्ति अगर 10-10 व्यक्ति को बताता है, तो वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल नो लिमिट्स की बात आ जाएगा कि ना जाने कितने कस्टमर आपके इंडस्ट्री में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यहाँ पे एक कहते ना कि कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही मस्त काम करता है, यहाँ पे बहुत ही असरदार रिजल्ट देता है यहाँ पे, और ये एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास अनलिमिटेड कस्टमर होंगे। ओके, तो आइंस्टीन का कहना खुद का है, आप बहुत ही अच्छे से इनको जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट, न्यूटन, ये खुद बोलते हैं क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद ये बात बोला कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पे इट। मतलब कहना है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, दुनिया का 8वां अजूबा है, और जो इसको समझ गया उसे कमा लिया, और जो इसको नहीं समझा वो पे करते चला जाएगा जिंदगी भर, कमाएगा नहीं ज़्यादा। मतलब कि कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर बात करें बॉस, तो आज 1 है तो कल 2 है तो 4 है तो 8 है तो 16, इस तरह से कंपाउंडिंग रिजल्ट अगर मिलते जाए आपको अगर बिजनेस में, तो एक समय आएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ कर काम कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि आपके पास अनलिमिटेड इनकम आएगा, आपके पास अनलिमिटेड रेवेन्यू होगा। कब? जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बहुत ही बेहतरीन काम करने का यही चीज़ है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपका रिजल्ट मिलता है, और ये चीज़ हमें बहुत अप्रिशिएट किया, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा कि भाई रिजल्ट कंपाउंडिंग है। सो थोड़ा समय लग जाएगा बट रिजल्ट हमारे पास कंपाउंडिंग में मिलेगा, है ना, गुना करके मिलेगा, मतलब कहे तो मल्टीप्लीकेशन करके मिलेगा। समय घटता जाएगा और रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, पे आउट बढ़ता जाएगा। तो ऐसा इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल देता है बॉस, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मार लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह का रिजल्ट मिलता है, तो पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट का रिजल्ट मिलता है। सैलरी में भी, इज्जत में भी, जान पहचान में भी, हर तरह से आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। आपके अंदर जो डेवलपमेंट आएगा उसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब कि जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, उस तरह से आपका तरक्की बढ़ेगा, आपका तरक्की उस तरह से बढ़ेगा। और इस तरह का को अगर चाहते हैं, इस तरह का अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, इस तरह का आप अपने लाइफ में अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी है। आप यहाँ पे आते हैं, आपको वेलकम है इस इंडस्ट्री में। और मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग से इंडस्ट्री से काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही दुनिया का बेहतरीन है और बहुत ही दुनिया का, इंडिया का बहुत ही रिकमेंडेड कंपनी है, जिस कंपनी से हम लोग काम कर रहे हैं, डैट इज़ नेम द अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अगर मैं बात करूँ इसका, तो लुधियाना पंजाब की कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये लगभग 20 साल नहीं 40 साल से काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कंपनी का क्या है क्या नहीं है। ये टोटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी दैट अल्टोस हेल्थ इज लाइफ, राइट। तो ये टोटल हेल्थ पे काम कर रहा है। अगर मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करूँ बॉस, तो 21 साल इसका डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है। 21 साल से पहले ही है, 20 साल ट्रेडिशनल मार्केट में काम किया, लेकिन 21 साल बाद जैसे ही इसको कॉन्सेप्ट पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, तो इन्होंने अपना कदम जमाया डायरेक्ट सेलिंग में 21 साल पहले, मतलब लगभग 2000 के आसपास, ठीक है। तो 2000 में ये डायरेक्ट सेलिंग में आया और ये प्राउड ऑफ मेंबर रह चुका है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, IDSA का। लगभग इसके पास 250 से 400 का प्रोडक्ट हाई रेंज क्वालिटी का है और हाई क्वालिटी का है, ओके। 90% इसका जो प्रोडक्ट है खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका, यू कैन सी दैट खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यूनिट है जो खुद कंपनी अपना प्रोडक्ट को सर्विस बनाता है, प्रोडक्ट को सर्विस करता है, ये खुद का यूनिट रखता है ना। और बात करें तो ये अपसेक फार्मास्यूटिकल से सर्टिफाइड कंपनी है, डिग्निफाइड है हर तरह से, इसके पास जो सर्टिफिकेट खोजिएगा वो आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही रिकमेंडेड है, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए। और सभी प्राइस की बात करें तो अफोर्डेबल और रीजनेबल है, मतलब कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, हर कोई इसे खरीद सकता है एट ए मार्केट प्राइस। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि मार्केट प्राइस खरीदारी करने के साथ साथ में आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है बिजनेस करने का। अगर आप बिजनेस को लेकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पैसा कमाने का है। प्रोफेशनल है, डेडिकेटेड है और एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके लिए बहुत ही मस्त कंपनी है। जो अल्टोस मेंबर का मैनेजमेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है, 100% सर्विस देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्वालिटी अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही दमदार है अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का, FLP। और बात करें अगर अल्टोस प्रोडक्ट का, तो वो बिल्कुल 100% सेटिस्फैक्शन के साथ में आएगा, मतलब कि आप अगर एक बार यूज़ करते हैं इसको तो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा उससे, उसका रिजल्ट आपको खुद बता देगा कि क्या है क्या नहीं है कंपनी, ओके। तो प्रोडक्ट आपको खुद ये बता देगा। रिटर्न पॉलिसी इसका है, रिटर्निंग गारंटी देता है इसका, अगर प्रोडक्ट ख़राब है या फिर कुछ भी आता है तो उसको आप रिटर्न गारंटी के रूप में इसको रिटर्न लेता है। इसका रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल अलग है, सभी कंपनियों से बिल्कुल अलग है, ओके। और अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेशन का, तो यू कैन सी हैड अर्न द मेनी सर्टिफिकेट, द GMP सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, राइट, USDFDA सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, OHS, हलाल सर्टिफिकेट, एंड यू कैन ऑल्सो द फीकी सर्टिफिकेट, मेंबर सर्टिफिकेट ऑफ द IDSA, गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट, सेवा भारती सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूँ बॉस की कंपनी को जो सर्टिफिकेट चाहिए, जो कंपनी को रन करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट से बिल्कुल सर्टिफाइड है, हर तरह से आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि ये जितना भी सर्टिफिकेट देख रहे हैं कम है, ये बहुत ही पुरानी सर्टिफिकेट आपको बता रहे हैं। अभी जो न्यू जो इसका अचीवमेंट आया है बहुत ही अलग है और बहुत ही मस्त है, मतलब ये कहीं से आपको डॉट करने की बात नहीं है, कंपनी ने डॉट करने के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ कि हम डॉट करें किसी भी चीज़ पर। अगर सोच रहे हैं कि कंपनी पुरानी है फिर भी इसके साथ कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी कंपनी है, इसके साथ में इतने सारे सर्टिफिकेट है कि कहीं से गवर्नमेंट इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और आपको भी नहीं, ओके। तो सर्टिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल अप्रूवल है, बिल्कुल अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कर चुका है इसको हर तरह से, हर जगह से और हर सर्टिफिकेट से, ओके।
आगे बढ़ते हैं, क्या करती है, राइट। तो इसका विजन है बॉस कि हर एक फैमिली को हेल्दी और वेल्दी रखा जाए, है ना। इसका एक मिशन है कि हर एक फैमिली को हेल्दी और वेल्दी रखा जाए। और इसका मिशन अगर विजन की बात करें तो एक ऐसी लीडिंग कंपनी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बनाने में मदद कर रहा है, बिलीनियर बनाने में मदद कर रहा है। अगर कंजप्शन की बात करें तो हर हाउस में, हर घर में, भारत के हर घर में कंजप्शन जाता है तो उसको पूर्ति करने का काम कर रहा है। क्वालिटी की बात करें तो हर घर में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का काम करता है, और वह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो आपको बिल्कुल महंगा नहीं लगता है, मार्केट प्राइस से मिल जाता है आपको। ओके, मार्केट से चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। बट द क्वालिटी की बात करें, डेट विल बी द बेटर एंड द बेटर मोर देन द मार्केट प्रोडक्ट। मार्केट प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा आपको। बात करें कौन से सेक्टर से प्रोडक्ट बनाता है, तो एलोवेरा एंड द हनी जेल प्रोडक्ट, होम केयर, ड्यूटी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, FMCG, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, गारमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग, फूड सप्लीमेंट, ये जितना भी सारे सेक्टर्स देख रहे हैं, लगभग 10 सेक्टर्स होंगे, 8-10 होंगे, तो ये जितना भी प्रोडक्ट बनाता है लगभग 400 प्लस प्रोडक्ट अभी है कंपनी का। अगर रेंज की बात करें तो राइट नाउ इट हैज़ अ रेंज ऑफ 400 प्लस प्रोडक्ट्स राइट नाउ। और ये जितना भी प्रोडक्ट बनाता है बिल्कुल खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका, मैंने पहले बोल दिया 90% से 100% तक का इसका जो प्रोडक्ट है ये खुद बनाता है कंपनी, इसका खुद का प्लांट है, खुद का यूनिट है, मैंने पहले ही दिखाया आपको। ओके, अब आगे चलते हैं कि क्या क्या बनाता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जितना भी इसका साइंस का चीज़ है अगर देख लें तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे लिए आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। एग्रीकल्चर केयर से भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाता है ये, फेस केयर, स्किन केयर जो मैंने पहले आपको बता दिया, फेशियल किट्स हैं, डी एंड द परफ्यूम्स हैं, फेनस क्रीम से, ट्रीटमेंट से, स्किन ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है ये। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रोडक्ट्स बनाता है ग्रूमिंग, बॉडी बिल्डिंग, फूड सप्लीमेंट्स से, गारमेंट सेक्टर से कपड़ा बनाता है। आप देख सकते हैं कि सूट लेंथ हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, मास्क हो गया, इवन द जीपर्स हो गया, वो भी बनाता है। फूड सप्लीमेंट में आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, हर तरह का प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में। आखिर बॉस अगर बात करें हम तो कंपनी इतना सारा प्रोडक्ट्स बनाता है, प्लान क्या है इसका, राइट। ये कंपनी इनकम कैसे करती है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही अच्छी है। मैं बात करता हूँ सीधा प्लान का कि आखिर इनकम प्लान इसका क्या है, किस तरह से कंपनी पे आउट करता है। ओके, अगर हम इनकम प्लान की बात करें तो कंपनी का एक गारंटी प्लानिंग इनकम है, गारंटी प्रगति प्लान, मतलब कि आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे गारंटी है। अब कौन सी कंपनी है जो गारंटी प्लान लाता है बॉस? मैंने अभी तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं देखा है जो गारंटी प्लान दे रहा है, मतलब गारंटी प्रगति का प्लान दे रहा है। आपकी प्रगति यहाँ पे गारंटी है, 100% गारंटी है। तो ऐसा प्लान है जो बिल्कुल गारंटी है, मतलब कि आपकी तरक्की यहाँ पे तय है। अगर आप उस सिस्टम से काम कर लिए, अगर आप उस प्लान के थ्रू काम कर लेते हैं, अगर आप उस रूट के थ्रू काम कर लेते हैं तो आपकी तरक्की गारंटी है, इसमें कोई नहीं रोक सकता आपको, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं अगर उस तरह का डेडिकेशन दिखा के काम करते हैं तो, राइट। तो कंपनी का एक गारंटी प्रगति प्लान है जो बहुत ही बेहतरीन है, और अभी यूट्यूब पे भाई छाया हुआ है, इसके बारे में आप कहीं भी देख लो। हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे कैसे काम होता है। पर्सनल परचेजिंग, जैसे कि हम लोग पर्सनली परचेज करते हैं मार्केट से, जो भी प्रोडक्ट्स को परचेजिंग करते हैं, है ना, उस पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता है, कहीं से नहीं कुछ नहीं मिलता, बट हेयर पर्सनल परचेजिंग पे पहला इंसेंटिव देता है कंपनी का। सपोज फर्स्ट यहाँ सेक्टर है कि किस तरह से पहला सेक्टर में आपको प्रॉफिट मिलता है, कि जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लाते हैं, राइट, आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ का जैसे एसोसिएट आते हैं, बनते हैं, तो इसके लिए आपका KYC डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है। KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ होता है आपका, और आपका पैन कार्ड का दोनों तरफ का फोटो, आधार कार्ड का दोनों तरफ का फोटो लगता है आपका, और जो आपका अकाउंट का फ्रंट पेज का फोटो होता है वो देना होगा आपको, और आपका एक मोबाइल नंबर, डेट्स क्लियर। इतना सारा KYC कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन होता है, उसके बाद आप ये सारे प्रॉफिट्स आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉफिट क्या है कि अर्न रिटेल प्रॉफिट अबाउट 20% to 50% ऑन MRP विथ योर फर्स्ट परचेज। पहला परचेजिंग पे आपको 20% to 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 20% to 50% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे एक तुलसी पावर का एक ड्रॉप है जो बहुत ही रिकमेंडेड है मार्केट में, और मैं ये तुलसी ड्रॉप को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, बिकॉज इट्स हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। वो इसके लोगो आप पढ़िएगा, इसका एक जो भी लोगो आता है इसका, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। बेनिफिट्स के मामले में बहुत ज़्यादा दमदार है ये।
है ना। और भारत का तो खैर ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा ये सब पे बिलीव करते थे, तो अभी भी वो विश्वास अभी भी जगा है और अभी भी ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो पहला प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे कि जो तुलसी पावर का जो MRP रेट है वो 265 है, अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम है। जो इसका फ़ायदा है इसके हिसाब से इसको 300-400 रखने चाहिए था, बट 265 है। और अगर आप यहाँ पे एसोसिएट बनते हैं तो ये आपको 180 रुपये में मिल जाता है। ओके, अब 180 रुपये में मिलता है तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिल गया क्या, 85 रुपीज़ का डिस्काउंट। 85 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाकर देख लो, तुलसी ड्रॉप्स को लेकर आपको डिस्काउंट बहुत ही कम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 85 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। और उसके ऊपर क्या है तो BV, मतलब कि बिजनेस वॉल्यूम, ये क्रिएट होता है, जितना क्रिएट होता है उसके ऊपर प्रॉफिट आपको मिलता है। एक तुलसी पावर पे 105 BV है। मैं BV का मामला आगे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहला प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, ओके, जो 20 से 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा है कि बाय वन गेट वन फ्री, देर इज अ ह्यूज मैनी प्रोडक्ट्स ऑन विच यू गेट फ्री वन टू वन, मतलब कि एक पे का फ्री पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सपोज यहाँ पे एक हेयर ऑयल है बहुत ही अच्छी, बहुत ही दमदार है, और यहाँ पे एक हेयर ऑयल का अगर MRP देख लें तो 398 है, राइट। 398 मतलब कि 199 अगर MRP रखता है तो 199 में आपको दो मिल जाता है, और लेकिन इसका MRP आप देखिएगा तो 398 है। ओके, तो 398 में आपको यहाँ पे MRP है, बट अगर DP की बात करें तो 199 है। ओके, और 199 में आपको एक पे एक फ्री मिलता है। तो सोच लीजिए कि एक पे एक फ्री अगर 199 मिल गया तो उसका MRP कितना हो गया दोनों को मिलाकर, ये 398। तो 398 आपको नहीं पे करना होता है, 199 में ही आप 398 का प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर जो बेनिफिट हो गया देख लीजिए, 398 - 199, मतलब कि पूरा का पूरा आप 100% अपना पैसा बचा लेते हैं, है ना। मतलब कि आपका यहाँ पे 100% सेविंग्स है। और इसके ऊपर BV है जो एक 100 BV है, 100 BV है, एंड देर इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन 1+1 ऑफर्स नाउ। यहाँ पे बहुत सारा रेंज है प्रोडक्ट का जो एक पैक फ्री मिलता है। यू कैन सी एडेड द ब्रेन कैप्सूल, ब्यूटी फेस पैक, ड्यू मिस्ट, हैंड वॉश तुलसी एंड एलोवेरा, सेविंग क्रीम जॉर्डन स्ट्रॉबेरी, एंड देर इज मेनी ऑन। बहुत सारा इसका क्लू है, बहुत सारा इसका सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको एक पैक फ्री मिल जाता है। ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कि एक पैक फ्री मिलता है तो आप चाहें तो यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे कमा सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं, राइट। व्हेन यू गेट अ न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन बॉस यहाँ पे आप आते हैं अगर अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या फिर अपना प्रॉफिट के लिए, जो अभी प्रॉफिट बताया हमने उस प्रॉफिट को लेने के लिए अगर आप आते हैं तो पहला रजिस्ट्रेशन 1000 BV तक का है, राइट। 1000 BV का प्रोडक्ट आप कोई भी ले लीजिए, 1000 BV का प्रोडक्ट्स में आपको जो भी आएगा वो ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपको 1000 BV तक का है, और इसका क्लोजिंग बॉस वीकली है और पे आउट मंथली है, जो प्राइम बेबी में काउंट किया जाता है। तो क्लोजिंग वीकली है, पीरियड मंथली है, ये सिस्टम आपको बताएंगे हम, लेकिन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 1000 BV तक का है। ओके, मतलब कि जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आता है तो उसमें क्या क्या होता है, नया रजिस्ट्रेशन में आप आते हैं तो क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या प्रॉफिट्स है। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सपोज कि आप यहाँ पे आए नए रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नए रजिस्ट्रेशन हुआ आपका 1000 BV का, आपके थ्रू जो नया व्यक्ति है नया परचेजिंग लाया 1000 BV का, राइट, तो उसका 1000 BV का 10% आपको असाइन इनकम के रूप में मिल जाएगा। असाइन इनकम के रूप में आपको 10% मिल जाएगा, मतलब कि 1000 का 100 रुपया, राइट। 1000 का 10% मतलब कि 100 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा, अगर आपके रेफरल से वो खरीदारी यहाँ पे करता है तो, आपके रेफरल से अगर परचेजिंग करता है तो, राइट, तो कहीं ना कहीं वो कर रहा होगा। बट अगर आप रेफर कर दिए यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉफिट है यहाँ पे, सपोज मैंने आपको कर दिया, तो आपके रेफरल से जो व्यक्ति आएगा उसका प्रॉफिट आपको 10% जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लीडरशिप रॉयल्टी है बॉस। अगर 1000 BV अगर दोनों तरफ से बन जा रहा है, ओके, सपोज कि आप यहाँ पर आए, आपके थ्रू एक और व्यक्ति आ गया सेकंड लेग में अगर आता है, तो 1000 BV का अगर मेंटेन करता है तो उसका एक पॉइंट बनाता है कंपनी, और एक पॉइंट का लगभग अबाउट 200 रुपीज़ का इनकम है जो नया रजिस्ट्रेशन में काउंट किया जाता है। 1000 BV, 1000 BV जो पॉइंट बनाएगा, एक पॉइंट का आपको 100 रुपया इनकम, 200 रुपया इनकम आपको देता है कंपनी। सपोज किया नए रजिस्ट्रेशन आपके लेग में जितना भी आते जाएंगे, नए रजिस्ट्रेशन जितना भी आएंगे 1000 BV का, उसका एक एक लेवल बनाएगा, एक पॉइंट बनाएगा 1000 BV का। स्ट्रॉन्गर वीकर ग्रुप दोनों है, स्ट्रॉन्गर ग्रुप और बीकर ग्रुप में दोनों 1000 BV का लेवल मेंटेन करेगा और उसका एक पॉइंट बना के आपको 200 रुपया कंपनी देगा। तो नया रजिस्ट्रेशन जितना भी आएगा उसका पे आउट आपको करता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगर।
रॉयल्टी मैच इनकम, ये क्या होता है रॉयल्टी मैच इनकम, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्या है। सपोज यहाँ पे यू कैन सी योर डेट कि आपका जो भी यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, ओके, आपके प्रोफाइल्स के थ्रू जो भी यहाँ पे व्यक्ति आए हैं, आपके रेफरल के थ्रू जो भी व्यक्ति आए हैं, सपोज वो आपके आपके जितना भी टीम मेंबर्स हैं, ओके, टीम मेंबर्स में अगर आपके एक लेग में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, 40 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 1,00,000 कमा रहा है, सपोज आपके सेकंड लेग में भी अगर ऐसे व्यक्ति कमाने वाले हैं, तो हम एक लेग की बात करते हैं पहले, कि अगर एक लेग में भी अगर पर्सन कोई व्यक्ति इतना सारा पैसा कमा रहा है, तो उसका अगर आपका रेफरल के थ्रू ये सब आया है, आपके रिकमेंडेशन के थ्रू ये सब यहाँ पे पैसा कमा रहा है, तो इसका 20% इसके सैलरी का आपको मिलता चला जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति 1,00,000 कमा रहा है उसका भी 20% आपको मिलेगा, जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है उसका भी आपको 20% मिलेगा, जो व्यक्ति 40,000 रुपये कमा रहा है उसका भी 20% आपको मिलेगा, जो व्यक्ति 30,000 रुपये कमा रहा है उसका भी 20% आपको मिलेगा, जो व्यक्ति 20,000 कमा रहा है उसका भी मिलेगा आपको 20%। तो मतलब कि 1,00,000 से भी अगर आपका काम चल रहा है तो उसका भी 20% आपको मिलता चला जाएगा। अगर इधर से भी काम कर रहा है कोई व्यक्ति, इधर से भी कुछ पर्सन व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, राइट, तो इसका 20% आपको इनकम चला जाता है। तो सपोज मान लो कि एक समय आएगा कि आपके अंडर में बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे होंगे और वो सभी पैसा कमा रहे होंगे, तो सभी का 20% आपको पैसा मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया एक मालिक, और मालिक के रूप में यहाँ पे हर कोई काम कर रहा है। बॉस सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बिजनेस ऑनर के रूप में यहाँ पे आप काम करते हैं, ओके। सपोज ऐसा है कि एक तरफ का आपका बिजनेस टर्नओवर 1,00,000 चला गया और एक तरफ का आपका जीरो है, मतलब कि नील है, तो भी कंपनी यहाँ पे आपको नहीं छोड़ता है। अगर आपके थ्रू रेफरल से इतना सारा बिजनेस आपके एक टीम में किया जा रहा है, एक लेग में किया जा रहा है, तो आपको उसका 20% टर्नओवर का आपको 20% बोनस के रूप में, इनकम के रूप में देगा कंपनी। मतलब कि अगर एक लेग हमारा नहीं भी चल रहा है, एक लेग में हमारा बिजनेस जीरो भी जा रहा है, फिर भी अगर आपके रेफरल से अगर कोई व्यक्ति एक लेग में काम कर रहा है तो उसका 20% आपको इनकम देगा, गारंटी है इसका, ओके। तो इस तरह का जो गारंटी प्लान लाया बॉस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही दमदार है। लोग व्यक्ति यहाँ पे आके सप्ताह में 10,000 रुपया, सप्ताह में 5,000 रुपया, सप्ताह में 20,000 रुपया कमा ले रहे हैं, नए रेफरल से ना आके कमा ले रहे हैं, नए रेफरल से जो अर्निंग आ रहा है अभी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। और जो व्यक्ति बिजनेस के रूप में यहाँ पे करना चाह रहे हैं, जो टिक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं आगे बात करता हूँ उसका रिपर्चेजिंग प्लान का बात है, कि जो व्यक्ति 1,000 बीवी से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आया, उसके बाद जो भी उसका बीवी नया परचेजिंग जाएगा वो रिपर्चेज प्लान में जाएगा, यानी कि 1,000 बीवी से जितना भी ऊपर का परचेजिंग जाता है एट फर्स्ट अटैम्प्ट में 1,000 बीवी काउंट किया जाता है, उसके बाद जितना भी रिपर्चेजिंग, जितना भी बीवी जाएगा, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम का क्रिएशन जाएगा, वो रिपर्चेजिंग प्लान में जाएगा, और इसका भी क्लोजिंग मंथली है और पे आउट इसका मंथली है। रिपर्चेजिंग प्लान में अगर कोई व्यक्ति पर्सनल परचेजिंग करता है, 500 बीवी तक का परचेजिंग करता है, घर का सामान या कुछ भी ले लिया, तो उसका कंपनी एक पॉइंट बनाएगा और एक पॉइंट का कम से कम 50 से 60 के बीच में, 50 से 100 के बीच में इनकम करेगा। मतलब कि इसका 10% इनकम आपको कंपनी देगा, 500 बीवी का एक पॉइंट बनाएगा और उसका 10% आपको देगा, राइट। आगे चलते हैं, लीडरशिप रॉयल्टी क्या है। यहाँ पे बॉस अगर कोई रॉयल्टी पा लेता है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे लेवल अचीव करके काम करता है, तो सपोज क्या है, यहाँ पे सपोज सुपरवाइजर है, उसके लिए 25-25 बीवी मेंटेन करता है दोनों लेग में, और पर्सनल परचेजिंग 25 बीवी का करता है, तो उसको कंपनी उसका 10% इनकम के रूप में देता है, और पॉइंट्स बना जो उसका अलग इनकम देगा बॉस, राइट। चैंपियन है 5,000 बीवी, यानी कि 5,000 बीवी का मेंटेन करेगा और उसका 15% इनकम देगा, राइट। यानी कि इसका इनकम अगर देखा जाए तो 15% करने की मतलब कि 750 से लेके 1200 1250 तक का इनकम इसका देगा, और पॉइंट का इनकम बॉस अलग देगा, राइट। मैनेजर लेवल का अगर देखा जाए तो 10,000 बीवी का मेंटेन करेगा, और इसका खुद का पर्सनल परचेजिंग 150 का होता है, तो इसका 1500 मतलब कि 15% इनकी 1500 से 3000 के बीच में इसको इनकम देगा, और पॉइंट का अलग से इनकम देगा। मतलब कि जो यहाँ पे पॉइंट्स बनेगा बॉस उसका इनकम आपको एडिशनल में देगा। अगर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव अगर इनकम यहाँ पे 20% यानी कि 25,000 बीवी का मेंटेन करेगा और 20% उसका इनकम देगा, मतलब कि 5,000 से लेके 10,000 के बीच में उसको इनकम देगा, और मिनिमम गारंटी 5,000 है, राइट। 5,000 से नीचे आपको नहीं देगा, गारंटी है, मिनिमम गारंटी है, मैक्सिमम गारंटी ज़्यादा जा सकता है। मिनिमम गारंटी 5,000 बीवी तक का है, 5,000 रुपया तक का है, और 5,000 से नीचे आपको कम नहीं देगा एग्जीक्यूटिव लेवल का। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 50,000 बीवी मेंटेन करेगा, और उसके लिए कंपनी मिनिमम गारंटी 10,000 इनकम देगा, 10,000 से नीचे आपको नहीं देगा, 10,000 से 20,000 जा सकता है बट 10,000 से नीचे नहीं जाएगा, राइट।
अगर हम बात करते कि सपोज ऐसा होता है कि हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आगे पीछे हो गया, ओके, तो आगे पीछे होगा तो उसके लिए भी बहुत अच्छा इनकम प्लान लाया है, डिफरेंशियल इनकम ऑन द एक्स्ट्रा बीबी। अगर एक्स्ट्रा बीबी हो जाता है यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी डिफरेंशियल इनकम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके लिए बस क्या करना है कि 2500 बीबी का एक पॉइंट्स बनाएगा। सपोज हमारे हमारे टीम में टोटल बीबी मान लेते हैं कि एक तरफ का हो गया 6000 और एक तरफ का हो गया 10000, राइट। तो 10000 में से जो आपका 5000 का बैलेंस करेगा, 5000 का सबसे पहले चैंपियन लेवल बना लेगा, और जो बीबी आपका बच जाएगा, ठीक है, उससे 2500 से भागा करके जो पॉइंट्स बनेगा उसका इनकम आपको दे देगा। मतलब कि आप जो भी यहाँ पे बिजनेस करिएगा, जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, वो उसमें से एक बीबी भी बर्बाद नहीं जाएगा, एक बीबी तक का पैसा आपको कंपनी पे आउट करेगा, राइट। जो ये प्लान लाया है ना बॉस, ये किसी भी कंपनी में अभी तक नहीं है, और मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे कंपनियों को, तो ये प्लान मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा कि यहाँ पे एक एक पाई पाई करके कंपनी पैसा दे रहा है, राइट। तो ये बहुत ही मस्त लगा मेरे को, बहुत ही अप्रिशिएट लगा मेरे को। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे काम कितना भी कर लो कहीं से कोई नुकसान नहीं है। एक होता है कि हाँ इतना काम किए लेकिन आगे पीछे हो गया तो कुछ ऊंच नीच हो गया तो बेकार चला गया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका काम ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कंपनी पे आउट कर देता है पॉइंट्स बना के इनकम के रूप में, राइट। नेक्स्ट लीडरशिप रॉयल्टी की बात करें तो डायमंड एवप, मतलब कि डायमंड और डायमंड से एवप जो भी यहाँ पे लीडर्स आते हैं, बनते हैं, रॉयल्टी अचीव करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खासा इनकम बन जाता है। अगर डायमंड लेवल से बात करें तो उनका इनकम लगभग 30000 से 35000 के बीच में होता है, और अभी का जो नया प्लान लाया है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इनकम है। मैं टोटली बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ लेवल का इनकम है 20000 रुपया, लेकिन मैं बता रहा हूँ टोटल कि 30000 से 35000 का इनकम डायमंड का जाता है, सिर्फ पॉइंट्स वाला इनकम मिलाकर। ब्लू डायमंड का जाता है 35000 से लेकर 40000, रॉयल डायमंड का 75000 से लेकर 1 लाख तक का इनकम जाता है, रॉयल ब्लैक डायमंड का 1 लाख से 1.5 लाख का जाता है, रॉयल क्रोन डायमंड का, रॉयल क्रोन का अगर देखा जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख इसका भी जाता है इनकम, 75 लाख का जाता है, 75000 यानी कि 2 लाख का जाता है। सुपर रॉयल क्रोन की अगर बात करें मैं बोल, तो यहाँ पर लगभग 2.5 लाख का इनकम जाता है, और डबल रॉयल क्रोन की बात करें तो लगभग यहाँ पे 3 लाख का इनकम जाता है, टोटल एक्यूमुलेट करके अगर हम बताएं तो। और अगर बात करें अगर हम, तो डिफरेंशियल इनकम यहाँ भी है कि अगर आपका बीबी यानी कि अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम इधर आगे पीछे हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है, तो वहाँ भी आपको सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने का कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी उसका इनकम बना के देगा आपको, पॉइंट्स बना के देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 25000 बीबी का एक पॉइंट बनाएगा, उसका 10 पॉइंट बनेगा, मतलब कि 2500 बीबी में एक पॉइंट तो 25000 बीबी में 10 पॉइंट बन रहा है, उसका इनकम आपको कंपनी देगा, ठीक है। तो इसका 10 पॉइंट से 200 से गुणा करके देख लो, 2000 इसका इनकम एक्स्ट्रा आपको बना के देगा। आपका एक भी बिजनेस वॉल्यूम का बर्बादी नहीं होगा, सबका पैसा पाई पाई कंपनी जोड़ के देगा। बहुत ही मेरे को अभी तक ये बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं पॉइंट कि हमारे बिजनेस का कोई भी नुकसान नहीं जा रहा, सबको ऐड करके कंपनी पैसा दे रहा है। रॉयल्टी मैच इनकम है बॉस, रॉयल्टी मैच इनकम बहुत ही मज़ेदार है, जो मैंने पहले ही क्लियर किया है कि अगर डायमंड से एवब या डायमंड से एवब जो भी लीडर्स बनते हैं यहाँ पे, जो भी अचीव करते हैं लेवल, उनके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि जो भी अगर उनके रेफरल से टीम में पैसा कमा रहा है, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, जो भी पैसा कमा रहा है, 10000 रुपया, 20000 रुपया, जो भी कमा रहा है, उसका 10% उसका रेफरल हो जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे अगर डायमंड लेवल है ना, तो डायमंड लेवल अगर आपके नीचे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो उसका 10% इनकम आपको रॉयल्टी मैच इनकम के रूप में मिलेगा। आपको कहीं से सोचने की जरूरत नहीं है, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी वहाँ पे आपको पैसा कंपनी पे आउट कर देगा, लेकिन वही एक कंडीशन है कि आपको 500 बीबी कम से कम आपके खुद के मंथली इनकम पे, खुद का मंथली परचेजिंग कर लेना है। और अगर यहाँ पे काम आपका नहीं भी होता है, फिर भी अगर आपके नीचे काम हो रहा है ना, तो उसका पे आउट आपको कंपनी 10% के रूप में करेगा। डायमंड से एवब के जो इंसेंटिव दिया वो 10% दिया है, और जो नीचे वाले जो इंसेंटिव वो 20% दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे को ये कि कहीं से किसी को नहीं छोड़ा है, हर जगह से पे आउट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगर, तो इसके बहुत बड़े बड़े क्रोन एम्बेसडर, डबल क्रोन एम्बेसडर, ट्रिपल क्रोन एम्बेसडर, रॉयल क्रोन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्रोन एम्बेसडर, डबल क्रोन इन्वेस्टर जो भी हैं यहाँ पे, डबल यूनिवर्सल क्रोन एम्बेसडर, तो यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम देख रहे हैं बॉस, वो लोग 25 लाख में ही सबको मेंटेन कर रहा है, लेकिन एक्यूमुलेट करके अगर देखा जाए तो 4 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ का एक्यूमुलेशन भी जाएगा ये,
राइट, और ये सभी को जोड़कर मिलाएगा आपको, और इसका इनकम अगर देखा जाए तो 1% इतना परसेंट इतना परसेंट, मतलब कि अगर इनकम की बात करें मैं तो यहाँ पे लोग लाखों रुपया मंथली कमाते हैं, यहाँ पे लोग 10 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। डबल यूनिवर्सल क्रॉन का अगर एम्बेसडर का जो बात करें, यहाँ पे करोड़ों रुपया का इनकम आता है उनका, लगभग करोड़ों रुपया का इनकम से ज़्यादा आता है बॉस। तो ये जो बहुत बड़े इनकम का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तब, थोड़ा सा समय देकर, थोड़ा सा मेहनत देकर, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा पैशन रखते हैं अपने ऊपर, तो ये बिल्कुल आसान है, किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रॉयल्टी मैच इनकम, जो क्रॉन एम्बेसडर और उससे ऊपर जो व्यक्ति हैं, उससे ऊपर जो लेवल है क्रॉन एम्बेसडर और उससे ऊपर, तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अपने लीडर्स को अचीव करा देता है रॉयल्टी से, मतलब कि अगर वो व्यक्ति, अगर उसके जितने भी रेफरल्स हैं, अगर उस रेफरल में जितना भी लीडर्स अचीव करता है, उसका 20% इनकम आपको रॉयल्टी मैच इनकम के रूप में यहाँ पे देता है। मतलब कि यहाँ से फिर से वही बात है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके अलावा जितना भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, उसका भी 20% इनकम आपको दे दे रहा है भाई। कहीं से कोई गड़बड़ नहीं छोड़ा कंपनी ने, मेरे को तो लगता है कि ये हर व्यक्ति को करोड़पति नहीं लखपति बना के ही छोड़ेगा, करोड़पति तो बनना ही बनना है, लखपति बना के छोड़ेगा। तो जिस तरह का इनकम प्लान लाया है बॉस, बहुत ही मस्त है, बहुत ही दमदार है, बहुत ही इफेक्टिव है मार्केट में, और बहुत ही रिकमेंडेड है। अभी यूट्यूब पे देख सकते हो आप जाके कहीं भी प्रगति प्लान के बारे में। मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे क्लियर करता हूँ, एनुअल बोनस भी यहाँ पे देता है कंपनी। एनुअल बोनस मतलब कि लास्ट में जो आपका टोटल बोनस एक्युमुलेट करके टोटल जोड़ के जो देता है ना, उसका 1% सब में बांटता है। 1% बहुत ही ज़्यादा इनकम हो जाता है। अगर मैं टोटल साल भर का टर्नओवर को जनरेट करके अगर 1% भी निकालूं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉस, और ये टोटल इनकम आपको देता है। यहाँ पे पॉइंट्स भी देते हैं, वो पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मैं पॉइंट्स की बात आगे करूँगा। यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल फंड देता है कंपनी, जो बिल्कुल फ्री है। मतलब कि ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है कि अगर आप ट्रैवल फंड अचीव कर रहे हो ना, तो पॉकेट में 50 रुपया 100 रुपया भी लेकर जाओ, वो लौटाकर वापस ले आओगे। मतलब कि कंपनी का खुद का प्योर रहता है, कंपनी खुद इसको पेआउट करता है, सभी लीडर को जितना भी उसका खर्चा रहता है सब उठा लेता है। आप इसके कंडीशन को फुलफिल कर दो, बस कंपनी का जितना भी नेशनल टूर है इंटरनेशनल टूर है सब फ्री ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, वो भी कंपनी उसको पैसा भी दे देता है पॉइंट्स ग्रुप में, राइट। तो कंपनी पेआउट भी करेगा और आपको ट्रैवल फंड फ्री में देगा, इससे और क्या चाहिए बॉस, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में। आपको टाइम बिल्कुल फ्री रहेगा, फाइनेंशियल ईयर लास्ट होते होते 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक कंपनी नवंबर या अक्टूबर दिसंबर मंथ में ये लॉन्च कर देता है फंड, और ये ट्रैवल फंड जिसको इसको अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसको इसको अचीव रहता है, कपल्स हो गए अनाउंसमेंट के बाद फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में, जो जितना भी कपल्स हैं वो जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है उनके लिए। जो ट्रैवल अचीव कर लिए उनके लिए बिल्कुल फ्री है, कंपनी कहीं से उसको कोई पैसा नहीं लेता है, कंपनी खुद पे ऑर्डर करता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो ट्रैवल जो देते हैं ना, वो लगभग 2 रात 3 दिन का देते हैं, 2 नाइट 3 डेज का, जो बहुत ही मस्त है, और ज़्यादा भी जाता है बॉस, मैं ये कम बता रहा हूँ। लाइफ टाइम इंसेंटिव की बात किया गया, कंपनी जो है अल्टोस, मतलब कि ये जो इंसेंटिव देता है, अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक बार यूनिवर्सल क्रॉन एम्बेसडर लेवल अचीव कर लेता है, तो उसके लिए कंपनी लाइफ टाइम इंसेंटिव देता है, मतलब कि जिंदगी भर उसको कंपनी का टर्नओवर में से पे आउट करते रहता है, तब तक करता है जब तक वो व्यक्ति जीवन में नहीं भी रहता ना, तो भी उसके फैमिली को वो पे आउट देते रहता है। मैं हाल ही फिलहाल में बात बताऊं कि एक डॉक्टर की महिला थी, मर गई डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर वो मर गया, लेकिन फिर भी उसके फैमिली मेंबर में, अगर वो डॉक्टर बना हुआ था कोई अचीवर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मी रॉयल डायमंड था, तो रॉयल डायमंड जो वो व्यक्ति थे ना, उन्होंने वो अचीव करके वो घर के लिए छोड़कर चले गया, और कोरोना काल में अगर उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी उस कंपनी ने उस घर को नहीं छोड़ा, उस घर में पिवट देते गया, बिकॉज उनकी महिला जो थी वो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और उनके ही नाम पे वो सैलरी अभी तक ले रहे हैं। तो डेट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, डेट वॉज वेरी वेरी वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ द लीडर्स। ये बात जब उनको पता चला तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पति ने बहुत अच्छा काम करके गया, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके गया। आज जो हमारे साथ में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे पति ने जो किया है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे पूर्वज के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा करके गया है। और बस जिस अगर ये क्रिएट हम कर देते हैं ना, एक बार पौधा लगा देते हैं ना, तो हमारा फैमिली नहीं पूरे सातों, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन
पौधा का फल वो पेड़ का फल खाते रहता है और पूर्वजों को मतलब कि बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते रहता है, कहीं से कोई बुरा नहीं बोलता बॉस, राइट। तो इस तरह का कंपनी प्लान देता है, ओके। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स शायद FMCG GMP जो भी है एक लोगों के रूप में है, तो कंपनी ने इसको प्राउड ऑफ कंट्री का अवार्ड दिया है। प्राउड ऑफ कंट्री का अवार्ड के बारे में आप बिल्कुल नेट पे सर्च मार लीजिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। GMP सर्टिफाइड है, हर तरह से इसका फार्मा सर्टिफाइड है, एग्रीकल्चर रेड, FMCG, होम केयर, पर्सनल केयर, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एरोमा नेशनल, तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड हियर। द कंपनीज इज एवन सर्टिफाइड बाई ऑल द सर्टिफिकेट्स, ओके। और यहाँ पे जो कंपनी का प्रोफाइल होता है बॉस, बहुत ही मज़ेदार रहा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कंपनी का। और अगर चले अगर बस, तो मेरे खुद का सर्टिफिकेट है, मैंने 4 महीने से 5 महीने काम किया था डीडी एग्जिस्टेंस ग्रुप में, तो ये 4 महीने से 5 महीने में कंपनी ने मुझे खुद का सर्टिफिकेट दिया और यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट लीडर ऑफ द डोज, यू कैन सी डैट हियर इज मिस्टर सनी कुमार बेस्ट लीडर ऑफ द डोज, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू द मिस्टर सनी कुमार बेस्ट लीडर ऑफ द डोज, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया मुझे बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकॉग्नाइज किया कंपनी में, बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट किया मुझे लीडर्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे साथ जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी ने मुझे बहुत अच्छे अप्रिशिएट किया। यू कैन सी इट हियर द जोसेफ जॉबिन जोसेफ द यहाँ का जनरल मैनेजर, उन्होंने खुद ये रिगार्ड्स किया था मुझे जब उन्होंने भेजा था, तो कॉल किया था कंपनी से, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि नहीं मैंने जो काम किया ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे काम करने में, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हर किसी का, तो काम आराम से होता चला जाता है, राइट। अगर हम बात करें बॉस इस बिजनेस के बारे में, तो मैंने पहले ही कहा था कि इसके बारे में जानकारी किसको लेना है, किससे लेना है, तो आप देखो ना नेट पे ग्लोबल इंडिया आपके पास है, मोबाइल दुनिया मुट्ठी में है, आप सर्च मारो ना इसके बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बात अगर बात बोलें तो डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कहना कि डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, समय के साथ इसकी परख होती है और जो व्यक्ति समय के साथ इसके साथ टिक गया वो दिख जाता है दुनिया में, छप जाता है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही पुराना मॉडल का है, बहुत ही पुराना बिजनेस है ये और बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेस है मॉडल है पूरी दुनिया में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भाई, मेरा नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा सक्सेसफुल हम और आप नहीं हैं, तो इसकी बात को मान सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी को चल सकते हो। इफ आई वेर गिवन स्टार्टिंग ओवर द 2 डे आई वुड मेक द मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इनका खुद का कहना है ट्रंप का कि अगर मेरा खुद का सभी चीज़ बुड़ जाए, ख़त्म हो जाए और मुझे फिर से शुरुआत करना हो, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज़ करूँगा और वहाँ पर मिलियन बना सकता हूँ, राइट। भारत सरकार ने भी इसके तहत बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस जारी किया है MLM और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो मिलकर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर ये गाइडलाइन जारी किया था, और इसके थ्रू जितना भी भारत में कंपनीज आ रहा है, राइट, वो इसके थ्रू सर्टिफाइड होकर ही काम कर रहा है, और जो कंपनी काम नहीं कर रहा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और अल्ट्रोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो कंपनी है वो बहुत तरह से सर्टिफाइड है, हर तरह से इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो बात करें, इसका एजुकेशन हर जगह में, हर इंडस्ट्री में, हर यूनिवर्सिटी में दिया जा रहा है बॉस। आप नेट पे सर्च मार लो, मेरा एक बात मान लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का PDF निकालो, नेट पे गूगल पे सर्च मारो दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग, वहाँ पे एक ई कॉमर्स का एक लेसन होगा, राइट। कॉमर्स लेसन में आप देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग का किस तरह से एक चैप्टर बना के उसको पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि हाउ टू डू बिजनेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ वेरी रिकमेंडेड, वेरी पावरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में बहुत ही दमदार बिजनेस है ये, हर इंडस्ट्री, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर चुका है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन का जो भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सोलन यूनिवर्सिटी इंडिया का, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का, हर यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट कर चुका है, और जितना भी MBA कॉलेज है उसमें ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने भी ये लागू कर दिया है, तो आप सर्च कर सकते हो नेट पे, ओके। अब इसको करना क्या है, कैसे करना है, अगर आपको यहाँ पे वेलकम है बॉस आपका, या जो भी बातें हमने बताया, ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सीधा बात करता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले फिलअप फॉर्म फिलअप करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो भी ये वीडियो दिया है वो आपको प्रोवाइड करा देगा कैसे क्या करना है, ओके। वह उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स होता है, बिजनेस को सीखना है, अटेंड करना है फ्री ट्रेनिंग्स को, ऑनलाइन वीडियोस देखना है जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी होता है, जो भी ये वीडियोज़ भेजा उसके थ्रू,
और कुछ बुक्स पढ़ने हैं जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, गाइड करूंगा कि अगर आप, मैं आपको खुद का स्ट्रैटेजी बनाकर दूंगा कि किस तरह से काम करना है, और उसके साथ अगर काम कर दें तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं आप यहाँ पे। और इस सिस्टम का एक प्रोवेंट सिस्टम का ट्रेनिंग हो जो होता है उसका एक आपको हिस्सा बनना है, ठीक है। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोवेंट ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे, जो सिस्टम है विनर्स एकेडमी का, ये बिल्कुल उसी पे काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि मैं आपको एक खुद का एक ब्लूप्रिंट बनाकर दूंगा कि आपके क्या गोल्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे, आपके गोल्स और प्लान्स के हिसाब से मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बनाकर दूंगा, मतलब कि एक स्ट्रैटेजी बनाकर दूंगा कि किस तरह से आपको चलना है और उसको पूरा करना है, ओके। तो गेट रेडी टू बी द नेक्स्ट मिलियनेयर इन दिस वर्ल्ड ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, तैयार हो जाइए अगला मिलियनेयर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 70% लर्निंग है और 30% वर्क्स है, मतलब कि 70% आपको यहाँ पर सीखना है और 30% आपको यहाँ पर काम करना है। मार्केटिंग प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है और अपने एक्शन को 6 महीने में उसको प्लट देना है, बिल्कुल, मतलब कि 6 महीने का आपका एक्शन प्लान यहाँ पे प्लान रेडी किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। और जितना भी ट्रेनिंग है बिल्कुल 5 दिन के अंदर में बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, जितना भी वेबिनार है उसको 5 दिन के अंदर में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। दे प्रूवन सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जितना भी वीडियोज़ है जो मैंने आपको प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा, ठीक है, जो भी आपका टीम मेंबर यहाँ पे, जो टीम मेंबर आपको गाइड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल आपको वीडियोज़ को पूरी तरह से देख लेना है, समझ लेना है क्या क्या नहीं है, ओके। उसके बाद पर्सनली आपको कॉल पे बताया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने सारे चीज़ को सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारी चीज़ों को आपको दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले बात बता दिया हमने कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी कॉल पे बात कर लेंगे आप, जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पे रिकमेंड किया है वीडियो को उसको एक बार कॉल लगाएं, इसके बारे में पूछें, पूरी जानकारी लिए। नहीं होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बिनर्स अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे कॉन्टैक्ट चाहिए, जो आपका कॉन्टैक्ट पहले से ऑलरेडी होता है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे एक डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हेयर इज माई रिटर्न नंबर, यू कैन सी डेट 7739796155, डेट इज माई पर्सनल नंबर, एंड लेट्स ज्वाइन द बिनर्स अकेडमी टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग इन द फ्यूचर, ओके। तो फ्यूचर में बॉस अगर बैंग ऑन करना है, धमाका करना है, तो बिनर्स अकेडमी को आज ही ज्वाइन करो और पता लगाओ कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट करो मेरे टीम से या फिर मुझे खुद कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पे, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन बिलो नंबर, ठीक है। तो आप इसको कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पूरी जानकारी लो, किस तरह से ज्वाइनिंग है मैंने पहले आपको बता दिया, और वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो क्या नहीं किया है, ओके, और रिपीट करके देख सकते हो क्या नहीं किया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी डॉट्स आता है, जो भी क्लियर करना है, आप अपने प्रोवाइडर को, जो भी रेफरल किया आपको वीडियो, उसको कॉल आकर आप पूछ सकते हैं, ओके। सी यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।